मोदी जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर लोडेड पिज्जा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज्जा बेस लेंगे और पिज्जा बेस को जो है बीस से जो है काट लेना है बराबर भाग में। देखिए हमने चारों साइड से जो है अच्छे से जो है पिज्जा बेस को जो है काट लिया है 20 से। अब इसके ऊपर जो है सॉस जो है टमाटो सॉस जो है लगाएंगे अच्छे से फैला करके। टमाटो सॉस हमारा अच्छे से लग चुका है। अब इसके ऊपर में जो है चिली सॉस को जो है चारों साइड अच्छे से फैला करके लगाएंगे। पिज्जा तंदूरी सॉस इसके ऊपर ऐड करेंगे और अच्छे से चारों साइड जो है फैला देना है। पिज्जा के ऊपर में चीज स्लाइस को जो है अच्छे से रखेंगे और एक चीज स्लाइस को जो है छोटे 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 टुकड़े में काट करके चारों साइड फैला देना है। इसके ऊपर मेयोनीज को ऐड करेंगे। पिज्जा बेस को जो टुकड़े में काट लिए थे उसे ऊपर से रख देना है हमें। इसके ऊपर पिज्जा तंदूरी सॉस को जो है अच्छे से चारों साइड फैला देना है। एक फ्राई पैन को जो है गर्म करना है और एक चम्मच जो है बटर ऐड करना है। बटर को जो है अच्छे से मेल्ट होने तक जो है इंतजार करेंगे। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। पनीर को आधे इंच के जो है क्यूब में काट लिया है, इसे ऐड करेंगे और हल्का हल्का इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन हट जाए। स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे चुटकी भर, एक चम्मच चिली सॉस को भी ऐड करेंगे और एक चम्मच टमाटो सॉस भी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट तक इसे अच्छे से जो है भून लेना है हमें, फ्राई कर लेना है। पनीर हमारा रेडी हो गया है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पिज्जा बेस के ऊपर पनीर को जो है चारों साइड अच्छे से फैला देना है। देखिए पनीर को हमने चारों साइड अच्छे से फैला दिया है और इसके बीच बीच में प्याज के स्लाइस को जो है रखेंगे। शिमला मिर्च के भी स्लाइस को जो है काट लिया है, इसे भी चारों साइड अच्छे से फैला देना है। एक टमाटर को भी स्लाइस में काट लिया है, इसे भी चारों साइड अच्छे से फैला देना है। इसके ऊपर ढेर सारा मोजरेला चीज को जो ऐड करेंगे। देखिए हमने ढेर सारा मोजरेला चीज ऐड कर दिया है। आज हम पनीर लोडेड पिज्जा बना रहे हैं, इसलिए ढेर सारा पनीर को और ऊपर से ऐड करेंगे, जिससे खाने में हमारा बहुत ही टेस्टी पिज्जा तैयार होगा। इसके ऊपर मेयोनीज जो है ऐड करेंगे। फ्राई पैन को गर्म कर लिया है, इस पे हम जो है पिज्जा को जो है रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के जो है अच्छे से पकाना है हमें। देखिए 15 मिनट हो चुका है और हमारा पिज्जा जो है रेडी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पिज्जा को बाहर जो है निकाल लेंगे। पिज्जा कटर से इसे अपने अनुसार जो है पिज्जा को काट लेना है। जिस साइज का काटना चाहे उस साइज का काट लें। पिज्जा के ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑर्गिनो जो है डाल देंगे, जिससे पिज्जा में और हमारा टेस्ट आए। देखिए हमारा पिज्जा जो है कितना अच्छा तैयार हुआ है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो हम आपके पास ला सके। धन्यवाद।